हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं चैप्टर 9 बायो मॉलिक्यूल के क्वेश्चंस, जो लास्ट 3 ईयर नीट में आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखते हैं इस चैप्टर। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स हैं क्या? अमीनो एसिड्स हैं हमारे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन में 3 जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दूसरा कुछ कंपाउंड लग गया। तो ए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गया है अल्फा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है। एक जगह अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया, एक जगह वेरिएबल है, हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, और एक जगह हाइड्रोजन ही है। तो एक जगह अमीनो ग्रुप, एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक जगह वेरिएबल ग्रुप। ये है हमारा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन अमीनो एसिड, जिसको अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फा कार्बन पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, अल्फा कार्बन पे ही आपका अमीनो ग्रुप अटैच है, तो इनको अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अल्फा ग्रुप क्या होता है? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन वो है जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट हो, नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, दैट कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा अमीनो एसिड्स हो गए। अमीनो एसिड्स ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब इन अमीनो एसिड्स में, जिन जिन अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर और अमीनो ग्रुप का नंबर सेम हो, वो न्यूट्रल होते हैं। जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो कि 2 कार्बोक्सिलिक एक अमीनो, वो एसिडिक नेचर के होंगे, और जिनमें अमीनो ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में, वो बेसिक होंगे। यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड्स पूछे गए, तो बेसिक अमीनो एसिड हमारे आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। आर्जिनिन और लाइसिन हमारे बेसिक अमीनो एसिड हैं, वेयर एज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पैराजिन, ग्लूटामिन, ये हमारे एसिडिक अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन मिथियोनिन है, और हमारे एरोमेटिक, एरोमेटिक ट्रिप्टोफान टायरोसिन फिनाइल एनानिन है। ट्रिप्टोफान टायरोसिन फिनाइल एनानिन हमारे, ये ट्रिप्टोफान टायरोसिन और फिनाइल एनानिन हमारे एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक में फिनाइल एनानिन, ट्रिप्टोफान टायरोसिन। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन मिथियोनिन, हीट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक रिंग हिस्टिडीन और प्रोलीन है। इन्हीं सबको रट लेना, आपको ज़्यादातर वो सल्फर कंटेनिंग पूछता है। नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो इस साल तो इससे आने से रहा, आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन रट लीजिए, क्या पता फिर पूछ लें। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकअप उसने दे रखा, टायरोसिन हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो टायरोसिन के साथ फिनाइल एनालिन ट्रिप्टोफान भी होते हैं। ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन एस्पार्जिन हमारे एसिडिक हैं, आर्जिनिन लाइसिन हमारे बेसिक हैं, ग्लाइसिन एलानिन वेलाइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन हमारे न्यूट्रल है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा जी साहब जी हमारा लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 2020 का क्वेश्चन था। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो फैट किससे बनता है? एस्ट्रिफिकेशन से बनता है। किसके बीच में? फैटी एसिड और एल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन से बनता है फैट। फैटी एसिड क्या है? तो हमारा RCOOH, एक ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन CCCCCCC और उससे लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स HHHHH और आखिरी में आके COOH, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसका अंत हो रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, वो होता है हमारा फैटी एसिड। एल्कोहल तो ये हमारा ROH हाइड्रोकार्बन चेन और आखिरी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, ये हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में, एल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में जब एस्टर फॉर्मेशन होता है, तो R1OH RCOOH, OH इससे चला जाएगा, H इससे चला जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होके फैटी एसिड R2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R1, ये हो गया फैटी एसिड।
ठीक है जी, फैटी एसिड और ये हो गया एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एस्टरीफिकेशन हुआ, फैटी एसिड बन गया। अब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में तीन जगह OH ग्रुप है, CH2OH, CHOH, CH2OH, तो तीन जगह एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। R1COOH अगर इससे एक हमारा फैटी एसिड जुड़ा तो ये हो जाएगा मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, और अगर दो जुड़ गए, दो जगह एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, दो फैटी एसिड इससे एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा जुड़ गए तो ये डाइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड में तीनों जगह, तीनों इसके OH ग्रुप में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और तब ये कहलाएगा ट्राइग्लिसराइड, जो कि हमारा टिपिकल फैट मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ट्राइग्लिसराइड किससे बनता है? एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड से, ट्राइग्लिसराइड, जिसको कि हम लोग टिपिकल फैट बोलते हैं। तो वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विथ थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल, नीट 2016 का क्वेश्चन है। ओके जी, तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रिक्नीन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दो तरह के मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल में मिलेंगे, साथ में माइक्रोबियल सेल में भी मिलेंगे, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन है ग्रोथ में पार्टिसिपेट, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रिप्रोडक्शन को प्रभावित कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर रहे हैं और डेवलपमेंट को। तो इतने सारे प्रोसेसेस में, किसी भी प्रोसेस में उसका रोल हो सकता है इस तरह का मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो हो रही है उसके जो प्रोडक्ट है मेटाबोलाइट है। ये फर्दर दो तरह के हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर दोज विच आर डायरेक्टली कंसर्न विद द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल। सेल के ग्रोथ में या रिप्रोडक्शन में या डेवलपमेंट में डायरेक्ट जिनका रोल हो प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ठीक ठाक मात्रा में बनते हैं और ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी मिलेंगे, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत कम मात्रा में, ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं और केवल एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में मिलेंगे, माइक्रोब से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फंगस सेल में भी आपको मिल सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है ना ग्रोथ में, ना रिप्रोडक्शन में, ना डेवलपमेंट में, उनका डायरेक्ट रोल नहीं है। तो ग्रोथ हटा दीजिए, रिप्रोडक्शन हटा दीजिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू हटा दीजिए, डिफेंस के लिए हो सकता है उनको प्रेजेंस हो। तो निकोटीन, कैफीन, स्ट्रिक्नीन ये सिर्फ मेटाबोलाइट्स हैं जो प्लांट में आपको मिल रहे हैं और उसके डिफेंस एक्शन में काम आ रहे हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकोटीन प्रोड्यूस बाय टोबैको प्लांट, स्ट्रिक्नीन प्रोड्यूस बाय, भूल जाइए नहीं पूछा जाएगा, कैफीन प्रोड्यूस बाय कॉफी प्लांट, और ये किससे संबंधित है? डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है। कॉनकैनावेलिन, कॉनकैनावेलिन इज एल्केलॉयड, एल्केलॉयड हमारे मॉर्फिन कोडीन होते हैं, इसेंशियल ऑयल, ग्रास ऑयल होता है, लेक्टीन, हाँ कॉनकैनावेलिन लेक्टीन है, पिगमेंट हमारे एंथोसाइनिन होते हैं। तो ये आपका चार्ट दे रखा है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तो इस साल आने की उम्मीद सेकेंडरी मेटाबोलाइट से है नहीं। पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन कोडीन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन रेसिन, लेक्टिन्स में कॉनकैनावेलिन, यही पूछा गया था आपसे। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर गम, सेलुलोज। ये इस साल उम्मीद कम है इससे क्वेश्चन आए, तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, इन एनिमल किंगडम मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारी कोलेजन, और अगर आपसे ऑल ओवर द बायोस्फीयर पूछा जाता तब हमारा जवाब होता रूबिस्को, रूबिस्को हमारा बायोस्फीयर में मिलने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन और एनिमल वर्ल्ड में मिलने वाली कोलेजन। ठीक है, कोलेजन इज अ प्रोटीन विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड एंड इज द कनेक्टिव टिश्यू। रूबिस्को इज एन एंजाइम विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर बिकॉज रूबिस्को इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शुगर फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो रूबिस्को बायोस्फीयर में मिलने वाली सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और कोलेजन आपकी प्रोटीन ऐसी है जो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल रही है। रट लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4।
तो इनमें से ग्लूट फोर है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, बाकी के इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है। ग्लूट फोर इज इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप फोर। ग्लूट फोर मीन्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप फोर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप फोर ग्लूट फोर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन टू मसल्स एंड एडिपोज सेल्स इन एनाबॉलिक कंडीशंस। वेयर एज ग्लूट वन इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ग्लूट वन जो है इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। यूरेसिल इज पायरिमिडीन, ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग, यही गलत है, ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग नहीं होता, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन मिथियोनिन है। यूरेसिल पायरिमिडीन है, सुक्रोज डाइसैक्राइड है, किससे बनी है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैक्राइड से सुक्रोज बनती है। सेलुलोज पॉलीसैक्राइड सेलुलोज पॉलीसैक्राइड है किसका, बीटा ग्लूकोज का। बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लीनियर फैशन में बाय मीन्स ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड अटैच होकर सेलुलोज का बनाते हैं, लीनियर फॉर्मेशन करते हैं। सुक्रोज डाइसैक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंडेंसेशन से बनी है। ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग नहीं है, सिस्टीन मिथियोनिन होते हैं। तो यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया। यूरेसिल पायरिमिडीन है, ठीक बात है। साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन ये हमारे पायरिमिडीन्स हैं और प्यूरिन्स हैं हमारे आर्जिनिन और प्यूरिन्स हमारे एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन हमारे प्यूरिन्स हैं, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है, स्टेटमेंट ग्लाइसिन वाला गलत है। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का बन रहा है वो पॉलीमराइजेशन से बनता है किसके, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से ही पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल की बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन और काइटीन सेम नहीं है, उनमें कुछ फर्क है, हालांकि दोनों का मोनोमर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है लेकिन उन लोग की बॉन्डिंग का स्टाइल फर्क है, इसलिए पेप्टिडोग्लाइकेन जो बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है और काइटीन जो कि एक्सोस्केलेटन का कंपोनेंट है आर्थ्रोपोड के अलग अलग है, हालांकि वो बने दोनों एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इंसेक्ट्स के केस में एक्सोस्केलेटन किससे बना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से, विच इज डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, और फंजाई की सेल वॉल में भी मिल रहा है, और रेडुला मोलस्का में आपको रेस्पिंग ऑर्गन मिलता है, रेडुला माउथ में मिल रहा है, जो रेडुला मोलस्का के वो भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के बीच में, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड किसके बीच में, पॉलीसैकेराइड, तो इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन, कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें पॉलीसैकेराइड है प्रोटीन है, ग्लिसिरॉल ट्रिप्सिन, ग्लिसिरॉल CH2OH, उसमें आपके पेप्टाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड नहीं मिलते। सेलुलोज और लेसिथिन, सेलुलोज और लेसिथिन ये दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, दोनों में कैसे मिलेंगे बॉन्ड, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड मिलेंगे। इनुलिन एंड इंसुलिन, इनुलिन एंड इंसुलिन, काइटीन एंड कोलेस्टेरॉल, तो काइटीन और कोलेस्टेरॉल दोनों ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हैं, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा इनुलिन और इंसुलिन। इनुलिन हमारा पॉलीसैकेराइड है और इंसुलिन हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीसैकेराइड बनता है बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, और इनुलिन ये हमारा हो गया प्रोटीन, प्रोटीन के बीच में दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो इंसुलिन में आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएंगे और इनुलिन में आपको ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड मिल जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि इनुलिन इज अ पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल हैविंग ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैविंग पेप्टाइड बॉन्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, को एंजाइम और मेटालाइन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्रुप, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ठीक है जी। अब पूछ रहा जी कौन से स्टेटमेंट सही है, को एंजाइम और मेटालाइन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज
हाँ जी, अ को एंजाइम, कह रहा को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है, को एंजाइम या मेटल आयन जो कि टाइटली बाउंड हो रहे हैं एंजाइम प्रोटीन से, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और हमारा को फैक्टर में हम देखेंगे दो तरह के हैं, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन के साथ जो बाउंड हो रहे हैं वो कहला रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड, जो टाइटली बाउंड हो रहे हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे को एंजाइम्स जो कि टाइटली बाउंड हो रहे हैं, को एंजाइम और मेटल आयन दैट आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड है, वेयर एज को एंजाइम जो है वो टाइटली बाउंड नहीं है। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी वाला जो एंजाइम होता है, जब उससे प्रोटीन पार्ट से जब अटैच हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप और कंप्लीट एंजाइम बन गया, उसको हम लोग होलो एंजाइम बोलते हैं। एपो एंजाइम ही होलो एंजाइम बोलते हैं। तो हमारा तो हमारा ए तो सही, ए सही है और बी गलत है। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक, अब देखिए हम लोग इस चैप्टर के पढ़ लिए पिछले 3-4 सालों के जो आए हैं क्वेश्चन, अब आपको इस बार क्या मिलने की उम्मीद है। तो टॉपिक 9.9 से 9.10 9.11 टॉपिक पढ़ लीजिए, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट। इन तीनों टॉपिक 1.5 पन्ने के हैं तीनों टॉपिक। इन तीनों टॉपिक से इस बार आपको क्वेश्चन एक मिलने की उम्मीद है और पॉलीसैकेराइड से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि एक तो आपको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग या लिविंग स्टेट, और दूसरा आपको क्वेश्चन मिल सकता है पॉलीसैकेराइड से। इनको आप पढ़ लीजिए। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, द एसिड सलूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। एसिड सलूबल पूल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज लाइकली टू बी एब्सेंट इन इट, तो कौन सा नहीं मिलेगा। तो लिपिड एसिड सलूबल पूल में आपको मैक्रोमोलिक्यूल मिलते हैं, आपको क्या नहीं मिलेगा, कैल्शियम आयन नहीं मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेगा, एडिनोसाइन मिलेगा, लेक्टिन मिलेगा, लेकिन कैल्शियम आयन्स नहीं मिलेंगे, कैल्शियम आयन्स नहीं मिल रहा है। द एसिड सोल्युबल पूल हैज दोज कंपाउंड विच हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और सेल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होता है H2, नियर अबाउट 70%, उसके बाद आपका 15-20% प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड 5-7%, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2। तो इसका जवाब हो गया आपका यही वाला जिस पर टिक टिक लगाया मैंने, बी वाला। ये दे रखी देखिए चार्ट, वाटर 70-90%, प्रोटीन 10-15%, फिर आ रहे हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड 5-7%, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयन। ठीक है जी, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। इसको आपको याद कर लीजिए, इस बार इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, कोई यही क्वेश्चन आपको आ जाए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, ऑल द केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर विद इन द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हम लोग की बुक में दे रखा, ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं विद इन द सेल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सम टोटल ऑफ ऑल दिस रिएक्शन आर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। तो खत्म हुआ ये आपका, जिसमें हम लोगों ने कुछ लास्ट ईयर के देखे, पिछले 3 सालों के, और कुछ इस साल आने वाले इम्पोर्टेंट देखे। ओके जी, तो जो मैंने आपसे बात बोली फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप लोग इसमें प्रोटीन को बहुत
फॉलो करते हैं, प्रोटीन फॉलो करना भी चाहिए। काफ़ी लंबा सेक्शन है प्रोटीन का, लेकिन जो हालात हैं 19 में और 20 में प्रोटीन वो कवर कर चुके हैं। इस बार आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना चाहिए, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, और एक क्वेश्चन पॉलीसेक्राइड से मिलना चाहिए। ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो मिलते हैं 13 तारीख को, देखते हैं कितना सही हुआ। पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, और जो लोग सिलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये आइडिया। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।